ये तीनों अभी नाश्ता कर रहे हैं। कैसा लग रहा मनीष भैया खाना? अच्छा बढ़िया है। ये खाली तारीफ कर रहे हो? गरम ज्यादा हो गया। खाली तारीफ, गरम ज्यादा हो गया खाना। और इन लोगों ने अपने बैग तैयार कर दिए हैं। ये वाला पतिदेव का है और ये वाला शायद मनीष भैया का है और वो वाला कल्लू का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से और मैं आ गई हूँ आज सुबह ही खेत में घर का सारा काम करके। अब मैं सोच रही हूँ ना कि चाची के साथ जाती हूँ चौक काटने के लिए, क्योंकि चाची तो मेरे से एक घंटे पहले आ गई थी। तो वैसे हमारे दो ही खेत बचे थे तो चाची तो नलौ काट रहे हैं, चाची ने जौ भी काट दिए हैं और ये वाले चाची भी अपना काम करने जा ही रहे थे तो हमने यहाँ पर बैठा दिया था इनको थोड़ी देर बैठो बैठो करके। आगे रोटी खा के खा खू के फिट फोर कितना काम है अब कितना है नलों काटने जा रहे हो? भी जो काट दिया चूटना चाटना वाला काम वैसा ही है। हुई देना कैसा? अच्छा तो अभी बच चुके हैं 10 और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई है कि हमारा जौ काटने का काम पूरा हो गया है। मतलब सारे जौ नहीं, मतलब जो हमारे तार बाड़ से बाहर वाले खेतों में जौ थे वो वाला काम हमारा हो गया। जौ भी काट लिया और नलों भी काट दिया। नलों शायद आधा खेत और बचा है, वो शाम को काटेंगे तो आज जौ वाला काम हो जाएगा काटने कूटने वाला। आज एक ही दिन तल लगाते हैं धूप में, कितने दिन जैसे आज धूप में लगाया आधे चूटना हुआ? एक दो दिन धूप में लगाना हुआ फिर चूटना हुआ। और नलों भी काट के चाची ने पुल बना दिए तो मैंने एक बार जौ का कट्टा लेके जाना है घर, फिर लेके जाना है नलों के पुल। पहले मौसम बढ़िया हो रहा था जिस टाइम पे मैं खेत में जा रही थी, उस समय मैं सोच रही थी कि बादल लगे रहते तो अच्छा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ना धूप लगने लगी थी थोड़ा बहुत। तो अभी घर आ गई हूँ, अब खीमू बंसी लाली को गोठ में बांधती हूँ एक बार, फिर जाती हूँ खेत में और नलों लेके आना है। तो एक बार फटाफट से इनको बांध देती हूँ फिर जाती हूँ। तो अभी बच चुके हैं एक और ना बाहर बहुत खतरनाक वाली धूप लग रही है और मैंने दिन का खाना वाना भी बना लिया। मैं कर रही हूँ पापा का इंतजार, तो जैसे पापा आते हैं फिर खाते हैं दिन का खाना। मगर यहाँ चल रहा है काम, पापा तो बहुत ही कामदार हो गए आज पता नहीं कैसे। वो तो देखते होंगे कितना काम करता है ये रोज। हाँ रोज इतना काम करते हैं क्या बताओ। ये पापा इसमें जो क्या कौन कौन सा दाला मिक्स कर रहे हो? एक तो बाजार वाला चोकर और दूसरा जो अच्छा तीसरा वो धान वाला। हाँ तीन तीन दालें मिक्स कर रहे हैं। आप तो हमारी गाय कुछ भी नहीं तो 10 लीटर दूध देगी। मत दे दूध मत दे, लेकिन हम उसके लिए अच्छा करेंगे। तो अभी बच चुके हैं 4 और हम लोगों ने दाला वाला भी रख लिया था और दिन का खाना भी खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ काजू लेने के लिए। तो काजू की बारी बनाने में मेरे को बहुत दिक्कत होती है, मेरे को आती नहीं है ना, तो इसलिए चाची आ रहे हैं। देखते हैं चाची आए नहीं आए, तब तक मैं तो जाती हूँ। और हवा ना इतनी तेज़ चल रही है भाई, खतरनाक वाली। जैसा दिन में गर्म हो रहा है ना वैसे शाम को मौसम बहुत चेंज हो जा रहा है, या तो खतरनाक वाली हवा चल रही है या तो खतरनाक वाली बारिश हो रही है। तो आमा और चाची तो ऊपर वाले खेत में नलों काट रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ खाली यहाँ पे क्या खड़े रहूँ, तो जाती हूँ मैं भी खेत में। तो चाची और आमा तो नलों काटने में बिजी चल रहे हैं। तो नलों लेके मैं आ गई हूँ घर और मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। ये नलों ना हम लोग जब बाद में काजू थोड़ा कम हो जाएगा हमारे पास तो ये वाला नलों देंगे हम। तो चाची ने मेरी बना दी है भारी। कितने पुल बाद है चाची? 20-25 5-6 पुल बाद है, तो इसको भी लेके जाती हूँ एक बार। जैसे मैं काजू लेके घर पहुंची ना वैसे ही खतरनाक वाली हवा चलने लगी और बारिश भी आ रही है थोड़ा बहुत। फिलहाल है आज दूसरा दिन और अभी बच चुके हैं 7 और सुबह का सूरज का ना सुबह सुबह आज काम चल रहा है टैंकी साफ करने का। तो आप लोगों को दिखाती हूँ सूरज कैसे काम करता है। जाओ सर। तो सूरज इसके अंदर जाके सफाई करने वाला है आज। कपड़ा देना तो सूरज ने सारा ऑफिस साफ कर दिया, नीचे नीचे बचा साफ करना और पापा ने पानी भी ऑन कर दिया है। तो ये वाला पानी भी गंदा पानी है सारा पाइप से,
हम लोग बाहर फेंक रहे हैं खेत में, खेत में फेंक रहे हैं ना। पापा कहाँ जा रहा पानी गंदा? अच्छा मैं तो खेत में कह रही हूँ, नाली में डाला है पानी, और ये वाला साफ करने के बाद करना है वो वाला साफ। तो टैंक की साफ करने का काम हो गया है। सूरज को कितनी आफत आई? सूरज थोड़ी थोड़ी बहुत आई, तेरे को तो खुशी हो रही होगी इसके अंदर गया हूँ करके मैं, है ना? अरे लड़के अब दूसरा भी करना है साफ। तो सूरज और पापा का तो घर में चल रहा है काम, और मैं आ गई हूँ खेत में, और आज तो चंदू भी आया है काम करने के लिए। आप पता नहीं कितना काम करता है चंदू। क्या काम करा अभी तक आके यहाँ पे? तूने खाटा है अब? तो आज खाली बैठी थी यहाँ पे? अभी मेरे काम में लगा। अच्छा अभी तुझे लगा रखा है। सोच सकते हो आप लोग कितना काम करा होगा इसने, है ना? खाली मुँह ही मुँह चलाता है ये, बस काम कुछ नहीं करता है। और आज हम लोग थोड़ा सा मसूर निकाल रहे हैं, और जहाँ तो ये हो गए बीज के लिए, तो ये चाची ने काट दिए हैं। तो आज सूरज चंदू ने नीचे में खेत में आई थी मसूर काटने के लिए, तो चंदू ने मेरे को बताया कि मैंने आज टैंकी भर रखी है, देखो अपना नहाने के लिए इन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। ये देखो चंदू लोगों का स्विमिंग पूल है ये, है ना चंदू? डूबता है तो उसमें नहीं डूबता है? ये देखो यार बढ़िया बना रखा है इन्होंने तो, टमाटर है। नीचे चाची जांत काट रहे हैं, और संदू को यहाँ देखो अपने छोटे से स्विमिंग पूल पर नहा रहा है। ठंडा हो गया अब? सूरज का नीचे काम चल रहा है, तो सूरज ने मेरे को पहले बोला था कि भाभी चंदू को नहाने मत देना, और मैं नीचे काम कर रही थी तब तक ये नहाने लग गया था। अब सूरज को तो वैसे क्या पता चलेगा, जब ब्लॉग देखेगा तभी पता चलेगा। चल ठंडा रहा पानी गर्म देख लिया एक बार और कर, देख रहा पानी के अंदर कैसे घूम रहा है गोल करके। जैसे चंदू ने छोटी छोटी सी टैंकी को स्विमिंग पूल बना रखा ना, वैसे हम लोग बचपन में बनाते थे। हमारे वहाँ तो ऐसा था नहीं, तो तालाब जैसा था एक छोटा सा, हम किनारे से पत्थर वत्थर बंद करते थे, और जिस दिन संडे होता था ना उस दिन सुबह से हम उसी काम में लग जाते थे, फिर दिन भर नहाते थे, और टाइम तो स्कूल हुआ जिस दिन छुट्टी हुई उस दिन तो बढ़िया होता था। इसको देख के ना अपने पुराने दिन याद आ गए। तो मसूर जात वात हमने सब काट लिया, और सूरज और चंदू कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय। आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मैंने घास का काट के रख दिया, यहाँ पे पुल बुल ये बाद में लेके जाऊंगी। हाँ चल रही सवार सिंह, आप चलना चल लगे चल लगे कुश्ती लड़ रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर। अब इनको ठंडा हो गया, थोड़ी देर रेस्ट चल रहा है इनका भी। तो ये लोग तो इन लोगों का तो ये चल रहा है एंजॉय, और मैं जाने लग गई हूँ घर, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया है तो भूख भी लग गई है। तो फटाफट से जाती हूँ और नाश्ता भी कर लेती हूँ। अब ये लोग बोल रहे हैं ठंडा हो गया, वो दौड़ के चलेगी वो टीन के ऊपर।